आमतौर पर लंडा बाजार का मतलब ऐसे बाजार लिया जाता है जहाँ जरूरियात जिंदगी की अशिया अर्जा नरखों पर दस्तियाब होती हैं। ताहम रोज अफजू बढ़ती हुई महंगाई के जिनने अब इस बाजार का रुख भी कर लिया है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुतवस्सत और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद लंडा बाजार का रुख करना शुरू कर देते हैं। दूसरे लफ्जों में लंडा बाजार को गरीबों की जन्नत कहा जाए तो बेजा न होगा, लेकिन महंगाई ने गरीबों की इस जन्नत को भी दोजख में बदल दिया है। लंडा बाजारों में गुज़िश्ता साल की निस्बत अशिया की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो चुका है। एक चीज मिलती है जो आप 150 रुपए मिल रही है, जो 50 रुपए की वो 100 में मिल रही है। तकरीबन 80% जो है ना वो पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा हो गई है। पिछले साल तो नहीं इतनी थी जितनी इस साल है, और समझ में ही नहीं आता है कि इंसान क्या चीज़ खरीदे और क्या चीज़ छोड़ दे। ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं ले सकते, इस कदर महंगाई का ये आलम हो गया है कि समझ ही नहीं आती कुछ इस दौर में। पिछले साल और इस साल में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा महंगे हुए। हमारा भी काम ढीला है, इस वजह से कि माल महंगा हुआ, हम लोग नहीं ले पाए। लोगों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पुराने कपड़े खरीदना भी इनकी इस्तेआत से बाहर हो चुका है। बाजार बनाया है तो गरीबों के लिए बनाया है, लंडा जो है गरीबों के लिए है। स्वेत पोश लोग जो है वो इसमें अपना गुजारा कर लेते हैं। पेट्रोल की वजह से पूरे मुल्क हर चीज़ पे जो है ना असर है। तो यही है कि गवर्नमेंट जब तक नहीं कुछ काम करेगी, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, काम तो नहीं होंगे। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई में अशिया को पुरानी कीमतों पर फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। दुकानदारों और सार्फीन का कहना है कि लंडा बाजार तो गरीबों के तन ढांपने का सबसे सस्ता जरिया हुआ करता था, मगर मौजूदा बदतरीन महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान नजर आता है। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ महजबीन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद।